हिमाचल की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो अन्य राज्यों की बात हो, वहां पर लगातार कोशिश की है कि अगर विपक्ष की सरकार बनी है तो उसको तोड़ा जाए। और बहुत ही रिसेंट घटनाक्रम की बात करूं तो लोकसभा इलेक्शन से पहले थोड़ी देर पहले जो काफिला निकला है नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन से, वो तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी सामने आ गई है जहां पर राष्ट्रपति से मिले हैं पीएम मोदी, हालांकि अब इस्तीफा दे चुके हैं, और राष्ट्रपति ने कहा है कि नई सरकार बनने तक आप कार्यकाल संभालिए, कार्यभार संभालिए। ये तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये राष्ट्रपति मुर्मू हैं जिनसे मुलाकात की है, करीब करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है, और ये लेटर एक संभाला है, दिया है, जो कि जिस पर लिखा है श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि वो जो एनवलप है उसमें ही रेजिग्नेशन लेटर होगा। इसे अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर लिखा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ ऊपर लिखा है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी काम के लिए अपने लेटर भेजते होंगे या फिर देते होंगे, इन एनवलप का इस्तेमाल होता होगा। इस एनवलप के अंदर ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा है, यानी कि नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये उस मुलाकात की तस्वीर है जो करीब आधे घंटे तक चली है। इस मुलाकात के बाद काफिला नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन से निकल गया है। जानकारी ऐसी है कि आज एनडीए की मीटिंग के बाद जो शाम 4 बजे होनी है, उसके बाद समर्थन पत्र देंगे राष्ट्रपति को, और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश होगा। और जानकारी ऐसी भी है कि 8 जून वो तारीख होगी जब देश में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। ये एनडीए की तैयारी है। थोड़ी देर पहले राकेश कुमार सिंह बता रहे थे 292 यानी कि 292 का ये जो आंकड़ा है इसे बढ़ाने की कोशिश अब बीजेपी के टॉप लीडर्स के कंधों पर जिम्मेदारी के तौर पर है। और उधर दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग आज शाम 6 बजे है, और लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं सामने कि नीतीश कुमार के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ में ये जो बातचीत है वो आगे बढ़ाई जा रही है ताकि समर्थन टीडीपी का, जेडीयू का इधर इंडिया ब्लॉक के साथ में आ जाए। ऐसी तमाम हलचल हैं जो अभी इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच में एनडीए की बैठक होनी है, और एनडीए की इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हो रहा है ये जल्दी से आपको बता देते हैं। इसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार, जो कि प्लेन में तेजस्वी यादव के साथ देखे गए, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं स्टैंड क्लियर है, हम तो एनडीए के साथ में हैं। एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान सुबह सुबह नीतीश के साथ मुलाकात पहले उन्होंने बिहार में की, उसके बाद दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए। हम की तरफ से जीतन राम मांझी जो कि दिल्ली पहुंचे हैं, साथ ही साथ एजेएसयू की तरफ से सुदेश महतो हैं, और साथ ही साथ जनसेना की तरफ से पवन कल्याण हैं जो कि दिल्ली पहुंचे हैं, शिवसेना शिंदे गुट एकनाथ शिंदे खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एनसीपी अजीत पवार गुट प्रफुल्ल पटेल इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये एनडीए की मीटिंग है जिसको लेकर जानकारी आपने देख ली, लेकिन साथ ही साथ शाम 6 बजे की मीटिंग पर भी निगाहें हैं जो कि इंडिया ब्लॉक की होनी है, और इस इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी जो कि कमाल कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत चुकी है, अखिलेश यादव इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव जो कि प्लेन में नीतीश कुमार के साथ में बैठे हुए पहले पीछे की सीट पर नजर आए और फिर बराबर वाली सीट पर बैठ गए, और चाचा भतीजे जब साथ में आए तो सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई और ये होने लगा कि क्या एक साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आ गए हैं क्या। अभिषेक बनर्जी टीएमसी की तरफ से सामने आ रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर पहले कह रही थी कनिका कि शायद हो सकता है ममता बनर्जी भी आ रही हूँ, साथ ही साथ एनसीपी शरद पवार गुट से शरद पवार खुद पहुंच रहे हैं, एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले भी पहुंच रही हैं, शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत खुद आए हैं दिल्ली इस मीटिंग में हिस्सा बनने के लिए, डीएमके की तरफ से एमके स्टालिन चंपाई सोरेन, जेएमएम की तरफ से संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल रह सकते हैं, राघव चड्ढा भी हो सकते हैं। कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं मीटिंग्स को लेकर, सुन लेते हैं एक बार। रोकून त्यांना स्टडी पार केलेला आहे, त्यामुळे मोदीजींच्या विकासाला लोकांनी मतदान केलं आणि एनडीएचं मेजॉरिटी झालेली आहे, त्यामुळे मेजॉरिटी झालेली असताना तुम्ही सरकारची स्वप्न पाहणं म्हणजे मुंगेरी लाल की हसीन सपने पाहण्यासारखं आहे, त्यामुळे त्यांना त्यांचं लकलाभ हो। आम्ही एवढंच सांगतो, मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली 10 वर्ष मोदीजींच्या सरकारने एनडीएने काम केलं आणि जे काम केलं त्या कामाच्या जोरावर या ठिकाणी लोकांनी त्यांना आशीर्वाद दिले। आता मिळालेली पुढची 5 वर्ष अधिक जोमाने अधिक वेगाने
मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार काम शिवसेनेचे सात खासदार आहेत, सत्ता स्थापनेत तुमची मोदींकडून काय अपेक्षा असेल? आता अपेक्षा घेऊन मी आलेलो नाही, मागण्यासाठी काय आलो नाही, मी देण्यासाठी आलेलो आहे, त्यांना समर्थन देण्यासाठी, पाठिंबा देण्यासाठी आलेलो आहे. बाकी विषय जे आहेत ते नंतर होतीलच, परंतु आज मी काही मागण्यासाठी नाही, त्या मोदीजींना पाठिंबा देण्यासाठी, समर्थन देण्यासाठी. उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलं आहे की इंडिया अलायन्सने सरकार स्थापनेचा दावा करायला हवा, असं काल पत्रकार परिषदेत मैंने कहा है ना, मैंने कहा है कि मोदी जी को पूरी तरह. चलिए, बैठकों का दौर तो ये लगातार चलता रहेगा. और शाहबाज हमारे साथ हैं इस वक्त, शाहबाज के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. शाहबाज जरा बताइए, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस समय सरकार बनाने को लेकर है इन बैठकों के दौर के बीच? जो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पर आए हैं एनडीए की सरकार बनाने के लिए, और जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो इस बात को जो है ना समझे कि उनकी सरकार बनती नजर आ रही है. सबसे अहम सवाल ये है कि आज जो सरकार बनाने की स्थिति है उसको लेकर जो कश्मकश है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार बनाने का जो नंबर है वो किसके पास बनता नजर आएगा, और इसके साथ साथ हम ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ समीकरण बनता नजर आ रहा है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं अबुल और रचना, कि आज के इस दौर के अंदर जो है सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर और साथ साथ जो है चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है. ग्राफिक्स के जरिए ही समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें हम कि यहाँ पर जो इस वक्त समीकरण बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक जो है अलग अलग गठबंधन जो है उनकी बैठक होनी है, और बैठक के बाद जो है कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा. एक चीज और आपको बता दूं मैं कि एनडीए की बैठक है, और उससे पहले क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर बिहार की बात कर ली जाए, सभी जगह पर हलचल देखने को मिल रही है. और साथ ही साथ आपको एक चीज यहां पर और समझनी होगी कि जिस तरीके से दोनों की तरफ से जो है कोशिश ये की जा रही है कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, ये भी हमने रचना आपने बताया है कि एनडीए की तरफ से कौन जाएगा, इंडिया की तरफ से कौन जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि जो समीकरण बन रहे हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि आखिर सरकार कौन बनाने जा रहा है. पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो नीतीश और नायडू के ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है. नीतीश और नायडू ये दो फैक्टर है जो कि सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे. जिस तरीके से रचना ने अभी बताया है हमको कि तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, दोनों एक साथ आते हैं, एक फ्लाइट में आते हैं, थोड़ी देर बाद एक तस्वीर निकल कर सामने आती है, और उस तस्वीर के बाद में जो है ये कहा जा रहा था कि एक तरीके से ये क्या दोनों के बीच में कोई बात हुई. कनिका कटियार भी हमको ये बता रही थी कि आखिर क्या फैसला हो सकता है, और जो ये समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है वो ये बता रहे हैं हम लोग कि आखिर इसके पीछे क्या समीकरण होंगे. एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि कनिका से जब ये सवाल किया गया हमारे स्टूडियो से तो ये कहा था कि क्या वो एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद कहीं इंडिया की बैठक में तो नहीं चले जाएंगे, तो ऐसा भी कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है. लेकिन बावजूद इसके जो समीकरण बन रहे हैं उन चार तस्वीरों के जरिए से देखिए आप, एनडीए का मंथन जो है आज हो रहा है, और इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस की बैठक है वो बुलाई गई है, और एक साइड में आप देख सकते हैं यहां पर शरद पवार जो है वो भी रवाना हो गए, इनके साथ में सुप्रिया सुले हैं, और नीतीश और तेजस्वी यादव जो है वो एक साथ पहुंचे हैं दिल्ली. ये जो समीकरण है वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इन चार तस्वीरों के जरिए हम ये बता रहे हैं कि ये आज की सबसे बड़ी पिक्चर है, और जो पिक्चर है वो बहुत कुछ कहती है कि आज किसकी सरकार बनने जा रही है. एक चीज हमारा अपने दर्शकों को हम बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की बात कर ली जाए या नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, वो अभी भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें सरकार की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि मंत्रालय को लेकर सबसे पहले बात होगी. और ये जो चार तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि आखिर वाकई में सरकार किसकी बनता नजर आ रही है. अबुल और रचना, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि आपने लोगों से बात की है और हमारे रिपोर्टर से भी बात की है, कि क्या इसके पीछे का समीकरण बनता नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, एकनाथ शिंदे को भी हमने अभी सुना है, और वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है वो भी कह रहा है कि हम फैसला लेंगे, तो ये मीटिंग को लेकर जरा आप चर्चा कीजिए.
देखिए कोई तो कॉन्फिडेंस में है शाहबाज और कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश में है। आप दोनों ही कोशिशों को लेकर अपडेट लगातार आपने भी दे दिया, हमने भी दे दिया। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, एनडीए की जिस तरीके से जीत हुई है और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इटली की पीएम है मेलोनी जिन्होंने बधाई दी है।